गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छात्रों पिछली क्लास में आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था की भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिति का रेफरेंस आपको बताया गया था, जिसमें राज्य की विकासशील अर्थव्यवस्था में जो पिछड़ी स्थिति है उसके बारे में और डॉक्टर आशीष बोस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है बीमारू राज्य का, उससे आपको अवगत करवाया था। साथ ही राजस्थान का जो सामान्य परिचय आपको करवाया था, जिसमें राजस्थान की सामान्य जो स्थितियां हैं वो भी पिछली क्लास में आपको बताया गया था। छात्रों, आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में बिंदुवार क्या स्थिति है। एक एक सूचकांक को हम लेंगे और उसके आधार पर हम यहाँ उस बात को हम समझेंगे। इसमें अपना जो पहला विषय है, पहला बिंदु है, वो है जनसंख्या में राजस्थान की स्थिति। यदि हम जनसंख्या के आधार पर कंपेयर करते हैं तो राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे है। छात्र, 2011 की जनगणना की जब हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ लगभग 7 करोड़ जनसंख्या राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। और ये पहले भी मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं कि जनसंख्या की दृष्टि से जो राजस्थान है वो भारत में 8वां बड़ा राज्य है। मतलब जनसंख्या में राजस्थान का 8वां स्थान आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत है उसकी जो जनसंख्या है वो 121.04 करोड़। मतलब भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 5.65% है। भारत की कुल जनसंख्या 121.04 करोड़ का, राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ जो है वो कितने प्रतिशत है? 5.65% है। और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का 8वां स्थान इसमें आता है। छात्रों, यदि हम कंपेयर करते हैं, ये तो 2011 की बात हमने की है, यदि इसको हम कंपेयर करके देखते हैं तो 2001 में क्या स्थिति थी और कितना इसमें परिवर्तन आया है। 2001 की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो 2001 में राजस्थान की जो जनसंख्या थी वो थी 5.65 करोड़ और 65 लाख। 2001 में राज्य की जनसंख्या थी, जो बढ़कर एक सेंसस में या एक दशकीय वर्ष में कितनी हो गई? 6.85 करोड़, लगभग 1 करोड़ 20 लाख की वृद्धि हुई है जो पहले की तुलना में, क्योंकि पहले राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में 5.5% थी, जो बढ़कर कितनी होगी? 5.65। कहने का मतलब औसत जनसंख्या वृद्धि दर की जब हम बात करेंगे तो उस औसत जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में राज्य में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो ज्यादा रही है। तो ये दशकीय वृद्धि दर जब हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.64% रही है और भारत की जो दशकीय वृद्धि दर 17.5% रही है। तो कहने का मतलब यह है राज्य की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो भारत की दशकीय वृद्धि दर से काफी ज्यादा रही है। ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में जो एक दशक में जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो 17.5% हुई है, जबकि राजस्थान में 21.64% रही है। तो छात्रों, मैं 2001 की जो बात कर रहा हूँ, 2001 में राजस्थान की जो जनसंख्या थी वो थी 5.65 करोड़ और उसी समय भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़, ये भारत की जनसंख्या थी। तो कहने का मतलब भारत की जनसंख्या बढ़कर 121.04 करोड़ हो गई है और राजस्थान की जनसंख्या बढ़कर 5.65 से 6.85 करोड़ हो गई है। अब सेंसस 2021 अभी कोविड की वजह से रुका हुआ है, उसको हमने आगे उसमें प्रगति नहीं हुई है। यदि अनुमान को इसी तरह से चलते हैं और 2021 का सेंसस हमारे सामने आता है
तो राजस्थान की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ से ऊपर होगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि वर्तमान में राज्य की जो जनसंख्या है वो यदि हम अनुमान के तौर पर बात करें या हम क्योंकि एस्टिमेट के तौर पर बात करें तो ऐसी स्थिति में लगभग 8 करोड़ के आसपास राज्य की जनसंख्या 2021 में होगी। तो यहाँ तो भारत की जनसंख्या में राजस्थान की स्थिति को देख रहे हैं तो यहाँ 2011 का सेंसस 5.65% को लेकर चल रहा है, 2001 का जो सेंसस है वो 5.5, तो पहले की तुलना में वर्तमान में राज्य की जो स्थिति है जनसंख्या के संदर्भ में वो बड़ी है। अब इसी को किसी घटना को यदि हम राज्यवार देखते हैं तो उस स्थिति में मैंने कहा कि राज्य का जो जनसंख्या में स्थान है वो 8वां स्थान है, तो पहले स्थान पर जो है राज्य वो है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो हम उसको टेबल बनाकर इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, एक तरफ आप राज्य लिख लें, एक तरफ उनका स्थान या जनसंख्या लिख लें, जनसंख्या। अब देखिएगा नंबर एक पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, जिसका जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान आता है और जनसंख्या जो है वो 19.95 करोड़। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.95 करोड़, लगभग 20 करोड़। 2011 के अनुसार ये सेंसस जो मैं आपको बता रहा हूं वो 2011 के अनुसार है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग इतनी है 19.95 करोड़, जो भारत की कुल जनसंख्या का अप्रॉक्स हम बता सकते हैं यहाँ पर लगभग 17% है। भारत की कुल जनसंख्या का 17% भाग उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जब हम दूसरे राज्य की बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करेंगे तो वो राज्य कौन सा आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग भारत की कुल जनसंख्या का 9.4% भाग दूसरा स्थान आता है। तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहां पश्चिम बंगाल के बाद जनसंख्या की दृष्टि से 7वें स्थान पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान, उनका है 4वां स्थान। ठीक है, अब राजस्थान का हम यहां बात करें तो राजस्थान का स्थान आता है 8वां स्थान, जिसकी जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़। तो छात्रों इस प्रकार से तालिका बनाकर आप इस घटना को आप स्पष्ट कर सकते हैं कि राजस्थान की जो भारत में स्थिति है वो जनसंख्या की दृष्टि से 8वें स्थान पर आती है। और इसी को आप यदि पिरामिड बनाते हुए बताना चाहें तो आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं और उस ग्राफ में आप इस तरफ तो आप राज्य ले सकते हैं, और इस तरह आप जनसंख्या करोड़ भी ले सकते हैं, ये क्योंकि आपने छोटी क्लास में ग्राफ बनाए होंगे और उन जैसे हम ग्राफ बनाते हैं उसी तरीके से हमने जो अक्ष निर्धारित कर लिया है एक्स अक्ष पर आपने राज्य दिए हैं या सिंपल बार डायग्राम आप बनाएंगे और सिंपल बार डायग्राम के हिसाब से आप जनसंख्या कर सकते हैं। तो जैसे हम सबसे पहला जो बार बनाए हम समान पढ़ाई के साथ पहला बार हमने बनाया और इसको हमने पैमाना दे दिया, 4 साल का पैमाना हमने निर्धारित कर लिया, 4, 8, 12, 16, 20 ये करोड़ में है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या मैंने आपको बताया लगभग 20 करोड़ है, तो यहाँ इस स्थिति में 20 करोड़ आपने निर्धारित कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं यूपी, सिंपल बार डायग्राम है। इसके बाद सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है जिसकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है, 12 और ये 8 इन दोनों के बीच में आप ले सकते हैं, आप थोड़ा सा गैप दे दें तो सिंपल बार डायग्राम है। इस स्थिति में आप इसको आप बता सकते हैं महाराष्ट्र।
इसकी जनसंख्या लगभग ये सेकंड पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है। ऐसे आप तीसरा बता सकते हैं, इसमें तीसरे जो है वो है बिहार, जिसकी तुलना में लगभग 9 करोड़ के आसपास है इसकी जनसंख्या, ये बिहार हो गया आपका थर्ड रैंक पर, बिहार हो गया। ऐसे ही आप आंकड़ों के हिसाब से अलग अलग राज्यों को बना सकते हैं। इसके बाद आप थर्ड और बिहार का, आप यहाँ जो 7 करोड़ के आसपास जनसंख्या है वो राजस्थान की है, राजस्थान का पिरामिड बना सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से जब आप डायग्राम सेट करेंगे, टेबल बनाएंगे और बिंदु को स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा उसका एनालिसिस अच्छे तरीके से होगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके मार्किंग के दृष्टिकोण से वो अच्छे तरीके से माना जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से अपनी नोटबुक का बॉक्स तैयार कर लें, उसके जो फैक्ट्स नए फैक्ट्स हैं उनको आप इसमें शामिल करते हुए इस प्रकार का टेबल आप बनाएं। तो यहाँ हमने जो पहला बिंदु आपको बताया है कि राजस्थान की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, वो राजस्थान की स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है, कि स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान की जो स्थिति है वो लगभग मध्यम प्रकार की है। यहाँ 8वां स्थान राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से लेकर चल रहा है, लेकिन इस जनसंख्या के बढ़ते हुए ग्रोथ को हमें रोकना होगा, क्योंकि आपको यदि डेवलपमेंट करना है, आपको विकास करना है या संतुलित ग्रोथ प्राप्त करना है तो जनसंख्या उसमें बहुत बड़ा बाधक कारक है। तो यदि इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, इन सभी घटकों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ हम फैमिली प्लान अपनाकर, नवीन जनसंख्या नीति में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको अपनाकर या नई पॉलिसी को अपनाकर हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या इसी गति से बढ़ता रहा तो हमारा आर्थिक निश्चित तौर पर बाधक होगा। कल अगली क्लास में आपको मैं दूसरे बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि उसमें लिंगानुपात में राजस्थान की क्या स्थिति है, साक्षरता में क्या है, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में क्या स्थिति है, वो हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।